नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Nothing Phone 2A 5G versus Oppo Reno 12 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 2A 5G में 6.37 इंच जबकि Reno 12 Pro में 6.36 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो 2A 5G में 3 इंच जबकि Reno 12 Pro में 2.94 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि 2A 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो 2A 5G में 0.34 इंच जबकि Reno 12 Pro में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 2A 5G में 190 ग्राम जबकि Reno 12 Pro में 180 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 2A 5G में फ्लेक्सिबल AMOLED जबकि Reno 12 Pro में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 2A 5G में 1084x2412px FHD+ और Reno 12 Pro में 1080x2412px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 2A 5G में 87.8% जबकि Reno 12 Pro में 89.72% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 2A 5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Reno 12 Pro में 394 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 2A 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और Reno 12 Pro की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 2A 5G में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Reno 12 Pro की बात करें तो उसमें 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 2A 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Reno 12 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 2A 5G में माली G610MC4 जबकि Reno 12 Pro में माली G615MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 2A 5G में MediaTek Dimensity 7200 Pro MT6886 और Reno 12 Pro में MediaTek Dimensity 7300 NG मिलता है। बात करें RAM की तो 2A 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है, जबकि Reno 12 Pro में 1 ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 2A 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Reno 12 Pro में एक ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो 2A 5G में नहीं है, जबकि Reno 12 Pro में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 2A 5G में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 23,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 25,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 27,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें रीनो 12 प्रो की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 39,090 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो नथिंग फोन 2A 5G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें ओप्पो रीनो 12 प्रो 5G की तो उसमें 4 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो कैमन 35G है, दूसरा रियलमी 12 प्लस 5G है, तीसरा रियलमी 12 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M14 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।